अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद। आज हम सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज में हॉस्पिटल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल की जब हम बात कर रहे हैं तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मींस जहाँ पे अलग अलग तरह और अलग अलग वैरायटी के लोग मिल रहे होते हैं, और अगर हम देखें उनकी सबकी नॉलेज और स्किल्स डिफरेंट है, और लेकिन सबका एक कॉमन गोल है, सबकी एक स्पेशलिटी है, डैट इज़ मेडिकल हेल्थ। हम देखें हमारे पास डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, डेंटिस्ट हैं, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट लोग हैं जिनकी एक बेसिक स्किल्स है, डैट इज़ मेडिकल। हर एक की नॉलेज और स्किल्स हैं उस मेडिकल में डिफरेंट है, लेकिन अगर हम सबका देखें तो एक ही कॉमन गोल है। उस कॉमन गोल क्या है हमारे पास? हमारे पेशेंट्स यानी अपने मरीजों को सेहतयाब करना, उनको जल्द अज जल्द ठीक करना। तो मेडिकल में आपको बहुत सारे लोग, हॉस्पिटल में आपको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, लेकिन सबका कॉमन गोल क्या है? उनके मरीज़ हैं। अब अगर हम देखें लास्ट 2 डिकेट से, यानी पिछले जो कई सालों से, अब जो है प्रोफेशनली और पब्लिकली जो हेल्थ सर्विस ज़्यादा बेहतर हुई है। जैसे जैसे मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट का रोल बढ़ा है, अब जो है अपने मरीजों को अलग हेल्थ केयर डिलीवरी में, हेल्थ केयर सिस्टम में हम उनको बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। कैसे? पहले क्या होता था, डॉक्टर के पास आप जाते थे, डॉक्टर दवाई देता था और बस वो आपको बोलता था फॉलो करो, और उसने आपसे किस तरह बात की कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखती थी। अब जो है अब हम अपने मरीज़ को समझाते हैं, उनसे प्रॉपर तरीके से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके लिए चीज़ करनी है तो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये डिज़ीज़ है तो आपको क्या हो सकता है, और अगर आप इस सर्जरी की तरफ जाएंगे या कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपको इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब जो डिसीजन है वो मरीज़ को गाइड करने के बाद लिया जाता है। तो उनके इसके अलावा हम देखें इस जो हेल्थ केयर सिस्टम में, जो अब हॉस्पिटल्स में आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ मशीन्स मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें असेसेबल हो गई हैं। पहले क्या होता था कि पहले चीज़ें इतनी असेसेबल नहीं होती थी, जो भी आपको मेडिकल केयर से रिलेटेड डायग्नोस्टिक्स आपके पास मशीन्स हैं या कुछ भी हैं, तो अब जो है बहुत इजीली आपके पास असेसेबल हो गई हैं। हॉस्पिटल्स में अब आपको जो प्रॉपर जो है डेवलप्ड मशीन्स, डेवलप्ड केयर जो चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है। अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा असेसेबल हो गया है, क्योंकि चीज़ें जो हैं आपके लिए ज़्यादा आसानी से अब आपको मिलना स्टार्ट हो गई हैं, तो आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में भी अब ज़्यादा बेहतरी आई है। अब हमारे पास डिफरेंट जैसे स्पेशल केयर्स हमारे बना दिए गए हैं। स्पेशल केयर्स की हमारे हम बात करें तो हमारे पास अर्जेंट केयर सेंटर्स होते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं, आउट पेशेंट सर्जरी डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास स्पेशल ब्रांच हॉस्पिटल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, कार्डिक हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स हैं, या कैंसर्स के स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं। तो पहले के नस्बत हम देखें तो हमने प्रॉपर जो स्पेशल डिज़ीज़ की स्पेशलिटी के लिहाज से हमने क्या किया, अलग अलग हॉस्पिटल्स बना दिए गए ताकि मरीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ डील किया जा सके। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आपके पास आप शॉर्ट अपॉइंटमेंट्स भी आ सकती हैं, आप फॉरन से जाएँ डॉक्टर को दिखाएँ और आ जाएँ, और दूसरा आपके पास लॉन्ग टर्म केयर भी आ सकती है, यानी अगर आपका मरीज़ दाखिल है उसको लंबी केयर चाहिए तो भी आप जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आप दे रहे होते हैं। अब जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है कि आप अपनी जो हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान रख सकें, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। पहले की नस्बत हम बात करें, अब हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती है हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन इस लॉन्ग टर्म केयर है, प्रैक्टिशनर ऑफिस हैं, क्लिनिक्स हैं, लैब्स हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं, होम हेल्थ केयर है, रिहेबिलिटेशन है, हॉस्पिस है, हॉस्पिटल्स है। वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म केयर में आपके पास जो है जो ओल्ड एज हैं उनके लिए एल्डरी पीपल जो हैं, बीमार लोग हैं, जो उम्र के साथ साथ जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे आपके पास जो है डॉक्टर्स हैं, आपके पास प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर केयर बने हुए, नर्सिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे वो उनको रखा जा सकता है, और वो उनके लिए ओल्ड एज लोगों के लिए जहाँ पे वो आराम सुकून से अपने जो भी इश्यूज है उससे रिलेटेड अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और वो वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं अगर उनको हॉस्पिटल की नीड है तो। दूसरा हमारे प्रैक्टिशनर ऑफिसेज हैं, यानी कंसल्टेंट हैं जहाँ पे उन्होंने अपने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, कोई भी छोटी मोटी सर्जरी हो गई, छोटी सी सर्जरी हो गई या कोई डिफरेंट टेस्ट हैं तो वहाँ आप करवा सकते हैं। डेंटिस्ट भी आ सकते हैं, डेंटल हाइजीन, यानी उन्होंने भी अपने क्लिनिक्स खोल लिए हैं और वहाँ पे वो अपने एक्सरे भी कर लेते हैं, डायग्नोस्टिक्स इमेजिंग जो है आप जाएँ और एक्सरे कर लिया
और उसके बाद उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। फिर हम बात करें, हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिक्स। आप क्या है कि डिफरेंट सेपरेट क्लिनिक्स भी हैं और कुछ इस तरह के क्लिनिक्स भी बने होते हैं कि आपको एक ही बिल्डिंग में या एक ही हॉस्पिटल में आपको वहाँ पे डिफरेंट क्लिनिक, डिफरेंट डॉक्टर्स बैठ रहे होंगे, वहाँ पे प्रॉपर बिलिंग डिपार्टमेंट है, रिसेप्शन है, रिकॉर्ड कीपिंग स्टाफ है। तो क्लिनिक स्पेशलाइज्ड कोई भी डर्मा के जैसे हो सकते हैं, क्लिनिक ऑर्थोपेडिक के हो सकते हैं। तो क्लिनिक्स में अलग जो अलग अलग जो हैं प्रॉपर स्पेशलिटी के हिसाब से क्लिनिक्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास लेबॉर्ट्रीज आ जाती हैं। तो अब अगर आप देखें, अलग से लेबॉर्ट्रीज भी आपको मिल जाती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी ईसा लेबॉर्ट्री अलग से, और बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज हैं, लैब्स हैं। हॉस्पिटल्स होते हैं, उन्होंने अब तक अपने छोटे आउटरीच सेंटर्स यानी आँखा लेबॉर्ट्री आप देखें आपको मिल जाएंगी इजीली। तो लेबॉर्ट्रीज जहाँ पे आप आराम सुकून से आप घर के पास नियर बाय जाएँ, आपको टेस्ट करवाना है आप टेस्ट करवाएं और आ जाएं। उसके साथ कोई क्लिनिक भी हो सकता है, वो किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, आपको प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके वहाँ लैब नहीं कराने, आप अपने इजीली अपने नियर बाय जाएँ और जाके करवा लें। एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी के लिए भी आपके पास नंबर्स हैं जिन पे आप डायल कर सकते हैं। कोई भी मरीज़ बीमार है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, कोई भी इशू हो गया, तो आप फ़ौरन से कॉल करें इमरजेंसी नंबर के ऊपर, तो प्रॉपर आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, अब इतना मसला नहीं। तो होम हेल्थ केयर भी है कि अगर आपको ऐसा है कि कोई इस तरह से बीमार है कि उसको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन यानी केयर की नीड है, लेकिन उसको हम हॉस्पिटलाइज नहीं रख सकते क्योंकि हॉस्पिटल में जरासीम है, इन्फेक्शन होते हैं, तो अब उसको डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया कि आप घर पे इनकी लॉन्ग टर्म केयर करें। तो आपके पास जो है नर्सिंग स्टाफ है और डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं वो आपके पास आपके घर पे भी ईजिली आ सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहले देखें तो होम हेल्थ केयर इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब जो है जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर हो रहा है, तो आपके पास होम हेल्थ केयर सर्विसेज भी अवेलेबल है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में कोई भी मरीज़ है जिसकी मूवमेंट डिस्टर्ब है, उसको चाहिए कि उसकी मूवमेंट्स बेहतर हो, तो आपके पास अलग से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स भी हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपके पास कोई ऑकुपेशनल थेरेपिस्ट भी हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, स्पीच थेरेपिस्ट भी हो सकता है, एंड डिपेंड्स ऑन कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है उसके हिसाब से। इसके अलावा हॉस्पाइस भी है, हॉस्पाइस में इन छोटे से हॉस्पिटल्स, छोटे से क्लिनिक बेटर देन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल से कम और क्लिनिक से थोड़े ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे कोई बीमार हो गया वहाँ पे डॉक्टर भी है, आपके पास नर्सेज भी हैं, वहाँ पे आपके पास थेरेपिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, सोशल वर्क भी हैं, वहाँ पे वॉलंटियर्स भी हैं, वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ भी है, प्रॉपर बिलिंग डिपार्टमेंट्स भी हैं। यानी जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मसला हो गया, इमरजेंसी में आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको देख लेगा 2-3 घंटे, सारे दिन का एक इशू है तो स्टे होता है, कभी नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, साइज़ कितना है जो किसी भी एरिया का या उस जगह का उसके हिसाब से। हॉस्पिटल्स जो अब हम बात करते हैं, तो हॉस्पिटल्स प्रॉपर एक बिल्डिंग है, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल के जब भी वोट किया जाता है तो हॉस्पाइस से बड़ा होता है, जहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल रही होती हैं, आपको डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी मिल रही हैं, इमरजेंसी सर्विसेज भी मिल रही हैं, आपको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, आप सर्जरीज भी करवा सकते हैं। तो आपको हॉस्पिटल का जब एक वर्ड आ रहा है तो आपके पास हर चीज़ की फैसिलिटी होगी। हॉस्पिटल हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी कुछ हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे लिंक कर रहे होते हैं, उनको चला रही होती हैं। हमारे पास प्राइवेट होते हैं, नॉन प्रॉफिट होते हैं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी हॉस्पिटल्स हैं, या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं। वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। हॉस्पिटल की बात करें, अगर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जो लिंक कर रहे होते हैं, हमारे पास डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बस भी आपकी कोई भी जो कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो चला रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास पाकिस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो आपकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक कर रहे हैं, यानी उनके अगर हम नाम देखें तो उनके नाम भी उसी पे होता है। चर्च से जो लिंक कर रहे हैं, या आपकी कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उससे जो भी लिंक कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स, वो आते हैं आपके इस अंडर में। उनमें उनका क्या मकसद होता है? उनका मकसद ये होता है कि जो भी मरीज़ हैं, जो बीमार हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर लें। वो फंडेड जो है वो आपकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उसको फ़ंड कर रही होती है, और वो जो फ़ंड है वो आम लोग जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो उनकी तरफ से आते हैं।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, यानी मनी मदर प्रॉफिट के लिए होते हैं, यानी उनको कितना प्रॉफिट आ रहा है वो उसके ऊपर होते हैं. वो प्रॉपर बिज़नेस हम देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक बिज़नेस के तौर पे कर रहे होते हैं. तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसीलिए होते हैं ताकि वो जो है फिजिशियन या जो भी बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल्स हैं वो उनसे उनको प्रॉपर हाई केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनसे अर्न कर सकें. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं जिनमें वो सिर्फ इतनी फ़ी लेते हैं, इतनी अमाउंट ऑफ फ़ी होती है, कम इतनी कम फीस होती है कि वो उसी को जो भी फीस ले रहे हैं वो उसी हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट पे, उसी हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग पे या उस हॉस्पिटल्स की जो भी इम्प्रूवमेंट होनी है उसके ऊपर उनकी सर्विसेज पे लगाते हैं. लाइक वो मरीज़ से कोई भी फ़ायदा नहीं ले रहे, वो जो भी पैसे लेंगे वो सारे उस हॉस्पिटल्स से उनकी अपडेशन में, अगर कोई मशीन चाहिए या कुछ भी हॉस्पिटल का कोई भी काम है तो उस पर लगा रहे होते हैं. वो उन पर अपना कोई भी प्रॉफिट नहीं रखते. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल चला रही होती है उनको हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डिफरेंट हॉस्पिटल्स जहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. अमाउंट ऑफ फीस अगर होता है तो बिल्कुल एक तो नहीं होता, या होता है तो इतना कम होता है कि हर कोई इंसान जो है वो अफोर्ड कर सके वहाँ ट्रीटमेंट. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े लेवल्स के होते हैं. उसके बाद बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम देखें तो सबसे पहले हमारे जो हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट लेवल आएगा. मैनेजमेंट लेवल में आपके जो हैं हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े डिपार्टमेंट आ जाते हैं. बड़े बड़े डिपार्टमेंट यानी मेडिकल डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह आ जाता है. तो जो लार्ज हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास होते हैं स्मॉल हॉस्पिटल्स. जैसे जैसे हॉस्पिटल्स होंगे उसके हिसाब से उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि जहाँ जितने हॉस्पिटल्स का लोग बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे उतनी जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम ज़्यादा बढ़ेगा. ग्रुपिंग ऑफ हॉस्पिटल्स डिपार्टमेंट विद इन स्ट्रक्चर. हॉस्पिटल्स में ग्रुपिंग किस लिए होती है ताकि जो लोग काम करते हैं सिमिलर, जिनका काम होता है एक जैसा काम होता है तो हमने उनको ग्रुप कर ग्रुपिंग की फॉर्म में डिवाइड कर दिया ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और जो हॉस्पिटल सर्विसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से मिल सकें. कॉमन कैटेगरीज हम पढ़ लेते हैं. नंबर वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, देन इंफॉर्मेशनल हैं, देन थेरापोटिक हैं, देन आपके पास डायग्नोस्टिक आ जाएगी एंड देन आपके पास सपोर्टिव आ जाती है. वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या होती हैं हॉस्पिटल में. एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपके पास CEO आ रहे हैं, VC वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं या आपके डिपार्टमेंटल हेड्स जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, या वो लोग जो आपके हॉस्पिटल्स को रन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या जो आप बजट दे रहे हैं या जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हॉस्पिटल्स की पॉलिसीज़ वो लोग इस्टेब्लिश करते हैं. आपके हॉस्पिटल्स में क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें जो आप फॉलो करेंगे, तो पब्लिक रिलेशन ड्यूटीज़ भी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. देन आपके पास आता आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट. इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल रही होती है. इसमें आपके पास सबसे पहले आपका एडमिशन डिपार्टमेंट आ जाता है. जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप एडमिशन करवाते हैं, आपको उसके बाद आप बिल देते हैं, बिलिंग एंड कलेक्टिंग डिपार्टमेंट आ रहा है. देन आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है. देन आपके पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशनल सिस्टम है. एंड देन आपके पास हेल्थ एजुकेशन है. और उसके बाद HR डिपार्टमेंट, किसी को हायर करना है, किसी को नहीं रखना है, सारे इंफॉर्मेशनल डिपार्टमेंट आपका हैंडल कर रहा होता है. उसके बाद आ जाती है आपकी थेरेपोटिक सर्विसेज. थेरेपोटिक सर्विसेज में वो सर्विसेज आ जाती हैं जहाँ आप मरीज को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं. नंबर वन एज फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट, जहाँ पर भी किसी भी मरीज को मूवमेंट से रिलेटेड मसला आ रहा है वहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं. ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट, जहाँ पे भी कोई फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड मसला आ रहा है वहाँ काम कर रहे होंगे. देन आपके पास स्पीच थेरेपिस्ट आ जाते हैं, स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट आ जाता है, जहाँ पे भी स्पीच या लैंग्वेज से किसी को भी डिसऑर्डर्स हैं वहाँ वो डील करेंगे. देन आपके पास आ जाता है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, किसी को भी लंग के इशूज़ आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी चेस्ट में इशूज़ आ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी थेरेपी डिपार्टमेंट में जा रहे होते हैं. ये हो गई हमारी थेरेपोटिक सर्विसेज. आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, डैट इज़ अ हॉस्पिटल का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है. उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाते हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी जहाँ पे किसी को भी मेंटल इश्यूज होंगे वो वहाँ डील करेंगे. देन आपके पास आ जाते हैं सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट, जहाँ पे लोगों को किसी को फाइनेंशियल
हेल्प चाहिए तो हम उनको कैसे किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं, वो आ जाते हैं। देन आती है आपके पास फार्मेसी, जहाँ से आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। फिर आपके आ जाते हैं डाइट्री डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपके पास डाइटिशियन होंगे जो आपको आपकी डिज़ीज़ के लिहाज से आपको बताएंगे आप क्या खाना चाहिए क्या नहीं। देन आ जाते हैं आपके पास स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट, जहाँ पे भी एथलीट्स रिलेटेड एथलीट्स को अगर कोई भी इशूज़ आ रहे हैं रिहेबिलिटेशन पर्पज़ से तो वो आ रहे हैं। फिर आ जाता है आपके पास नर्सिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे आप मरीज़ को प्रॉपर केयर दे रहे होते हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज की बात करें तो आपके पास वो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट जहाँ पे आप डायग्नोसिस के लिए जा रहे होते हैं कोई भी बीमारी है उसको पता चलने के लिए कि मसला क्या है क्या इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले आपके पास मेडिकल लेबॉरेटरीज आ जाती हैं, मेडिकल लेबॉरेटरीज में आप डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं। फिर आपके पास मेडिकल इमरजेंसी इमेजिंग डिपार्टमेंट है, MRI डिपार्टमेंट, एक्सरे डिपार्टमेंट, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट। देन आपके पास आ जाता है इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट आ जाता है, यानी इमरजेंसी में आपको कोई भी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट चाहिए तो वह कहाँ पर होगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि हम इसको वैसे ध्यान नहीं देते लेकिन सपोर्ट सर्विसेज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोर्ट सर्विसेज ना नहीं होंगे तो हॉस्पिटल कैसे रन करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रन सेंट्रल सप्लाई, यानी आपके हॉस्पिटल्स में कोई भी आपके इक्विपमेंट चाहिए, कोई भी सप्लाईज चाहिए, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है। अगर वो इक्विपमेंट्स ही नहीं आएंगे, आपको कोई चीज़ें ही नहीं मिलेंगी तो आपका हॉस्पिटल नहीं चल सकता। उसके बाद जाता है आपका बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, आपके पास जो इक्विपमेंट है उनको सही कौन करेगा, उनको डिज़ाइन किसने करना है, उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो वो कौन करेगा, वो बायोमेडिकल डिपार्टमेंट है। देन आपके पास आ जाता है हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अगर हॉस्पिटल में सफाई नहीं होगी तो हॉस्पिटल साफ कैसे रहेगा। तो हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारे पास बोर्ड मेंबर्स आ जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल्स के, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास इंफॉर्मेशनल सर्विसेज है, इंफॉर्मेशनल सर्विसेज में हमारे पास एडमिशन डिपार्टमेंट है, बिलिंग डिपार्टमेंट है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, कंप्यूटर इन्फो है, हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। देन हमारे पास थेरेपोटिक सर्विसेज में देखें तो फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग एंड डाइटिशियन। देन आपके पास डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, मेडिकल लैब्स हैं, रेडियो डिपार्टमेंट है, एक्सरे डिपार्टमेंट है, कार्डियो डिपार्टमेंट है, जहाँ पर भी आप डिफरेंट टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं। सपोर्ट सर्विसेज में देखें तो सेंट्रल सप्लाई है, बायोमेडिकल है, हाउसकीपिंग है, मेंटेनेंस है एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। हॉस्पिटल में हमने उनकी ड्यूटीज़ के हिसाब से पायरामिड में डिवाइड कर दिया, सबसे पहले बोर्ड है, देन एडमिन, देन इंफॉर्मेशनल, देन थेरापोटिक, देन डायग्नोस्टिक एंड देन सपोर्ट सर्विसेज। यानी हर एक की वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि किसी की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने उनकी ड्यूटीज़ के हिसाब से क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया। अच्छा, एक और हमारे पास सबसे ज़्यादा मेडिकल में एक इशू मिलता है, डैट इज़ क्विक रे। क्विक रे क्या होता है कि आपको बहुत सारे इस तरह के डॉक्टर्स मिलेंगे जिनके पास डिग्री नहीं है डॉक्टर की और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अगर गांव वगैरह में चले जाएंगे या आपको कराची में या शहर में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स मिल रहे होंगे जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं होगी लेकिन वो काम कर रहे होंगे, और इसको हम कहते हैं क्विक रे, यानी कि बगैर डिग्री के वो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, फ्रॉड है बेसिकली। जो डॉक्टर्स हैं उनके पास डिग्री नहीं है, मेडिकल डॉक्टर्स हैं लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे हैं वो डॉक्टर्स हैं, उनके पास वो स्किल्स नहीं होते, वो मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यानी कि बगैर डिग्री के वो लोगों के साथ जो वो लोगों की हेल्थ को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेसिकली वो फ्रॉड कर रहे होते हैं। उनका मकसद सिर्फ क्या होता है कि अपना पैसा कमाना और कुछ नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा देखेंगे इर्द गिर्द आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि जो कहेंगे हम डॉक्टर हैं, ऐसे करते हैं इलाज, ऐसे करते हैं, और डॉक्टर्स नहीं होंगे। देखिए, अगर आपके पास एक फील्ड में प्रॉपर डिग्री नहीं है और आप उसमें काम कर रहे हैं, अगर आपके पास एक फील्ड में काम कर रहे हैं और आपके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है तो आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आपको काम नहीं आता या आपने काम नहीं सीखा है या आपके पास डिग्री बेसिकली एक अथॉरिटी होती है कि आप इसमें काम कर सकते हैं, फिर आप काम सीखें। बगैर डिग्री के आप काम कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि बेसिक नॉलेज क्या है। तो क्विकरी आपको मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिलेंगी, और हम क्विक उसको कहते हैं
जो कि वो बंदा है, यानी जिसकी कोई स्किल्स नहीं है, जिसको कुछ आता नहीं है, लेकिन वो अच्छे से बात कर लेता है, उसके पास कोई सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्रटेंड कर रहा होता है कि वो उसको बहुत कुछ आता है, वो डॉक्टर है, उसको चीज़ें सारी आती हैं। और अक्सर लोग जो हैं वो गलत इस तरह के लोगों से मिल रहे थे, क्विक से मिल लेते हैं, और फिर उनके पास जो है उनके लॉन्ग टर्म जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। शुरू में तो आपको आराम आ जाता है, आपको लगता है कि हाँ ये तो शक्ल से भी लग रहा है, इसकी बातें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, लेकिन जब उसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, उसकी डिग्री नहीं है, उसने उसमें अपने स्किल्स एनहेंस नहीं किए हैं, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपका एक्सपीरियंस ख़राब जाएगा, आपकी जो कंडीशन है वो और वर्स से वर्स भी हो सकती है। क्विक को आप कैसे स्पॉट कर सकते हैं? एक तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, वो आपको बहुत सारे डिफरेंट आपके पास जो उसने अपने जहाँ पे भी जो कर रहा होगा काम, तो वहाँ अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल्स में या अपना उसने जो भी घर में बनाया हुआ है, तो वहाँ पे उससे अलग अलग जो है डिग्रीज लगाई होंगी जिससे आप इम्प्रेस हो जाएं। और उनको वो कुछ स्पेसिफिक, देखिए मेडिकल में बात करें तो हर एक फील्ड की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, आप एक स्पेशलिस्ट होते हैं, आप हर स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, तो वो अपने आप को कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं बताएगा, वो कहेगा मैं तो सब चीज़ों को ट्रीट कर सकता हूँ। और दूसरा उसकी लैंग्वेजेस, वो बहुत ही अच्छे से बात करेगा और आपको दिखाएगा कि वो अलग है, उसको बहुत कुछ आता है। तो आप इस तरह कोई कुछ स्पॉट कर सकते हैं, बेसिकली क्विक्स के बेसिस के ही ऊपर क्या हुआ है कि जो लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब गया है, और उनका जो मेडिकल हेल्थ केयर फील्ड है उस पर भरोसा क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के मेडिकल फ्रॉड्स के लोग आते हैं, हर तरह के, यानी आपको लेबॉरेटरी स्कैम पे मिलेंगे, आपको मेडिसिन में स्कैम मिलेंगे, आपको डॉक्टर्स में मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोग जो होते नहीं हैं लेकिन अपने आप को दिखा रहे होते हैं। तीन इनकी मेडिकल क्विकरी है, न्यूट्रिशनल क्विकरी है, एंड डिवाइस क्विकरी, तीन कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा मिलती हैं। नंबर वन इस मेडिकल क्विकरी, मेडिकल क्विकरी क्या है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स में हम उनको सूडो डॉक्टर्स भी कहते हैं, सूडो डॉक्टर्स मीन के कोई एक फील्ड नहीं है, अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स हैं और अपने आप को सूडो डॉक्टर्स, यानी हर फील्ड में अपने आप को क्या कह रहे हैं, हम एक्सपर्ट हैं, बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, और जबकि वो मैल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रॉपर हर इंसान हर चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, मेडिकल की सम स्पेशलिटी होती हैं जहाँ पर आप जो हैं अपने आप को एक्सपीरियंस होते हैं, तो सूडो डॉक्टर्स क्लेम करेंगे और वो गलत तरीके से मैल प्रैक्टिस करेंगे जिससे लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाता है कि मेडिकल में आराम नहीं आ रहा है। देन हमारे पास न्यूट्रिशनल कोई करी है, न्यूट्रिशन यानी आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, ऐसी मेडिसिन दी जाएंगी, इस तरह के खाने की चीज़ें दी जाएंगी जो क्लेम करेंगे कि ये खाएँ और इससे आप एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जबकि उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा आपके पास रहता है डिवाइस क्विकरी, डिवाइस क्विकरी में इस तरह के आपको डिवाइसेस, इस तरह के इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे जो कहेंगे ये तो एकदम से आपकी बीमारी को गायब कर देंगे, जबकि उसका कोई रोल नहीं होगा। देखें क्विकरी बेसिकली जो क्विक्स होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको एकदम से जादू की तरह आराम आ जाए, तो मेडिकल में या किसी भी चीज़ में जादू की तरह तो आपको आराम नहीं आता है, आपकी बीमारी होने में टाइम लगता है तो ठीक होने में भी टाइम लगता है, लेकिन जादू नहीं होता। और जो डॉक्टर्स क्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग जो क्लेम कर रहे हैं जादू हो जाता है, डैट आर क्विक्स। मेडिकल ट्रीटमेंट में स्पेशलिटी होती है, लोगों को टाइम लगता है सही होने में भी और जल्दी भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट उसके ट्रीट करते हैं, वो सूडो डॉक्टर्स नहीं होते, उनकी स्पेशलिटी एक में होती है, हर एक में नहीं होती। तो हार्मफुल एस्पेक्ट्स हम देखें तो हमारी जो आवाम है वो ख़तरे में है, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो रहा है कि उनका जो मेडिकल फील्ड है हेल्थ केयर उससे भरोसा हटता जा रहा है, और जब उनको फ़ायदा नहीं होगा तो उनको ऑटोमेटिकली एंजाइटी स्टार्ट होगी, स्ट्रेस स्टार्ट होगा और उनकी जो कंडीशन वो और ख़राब से ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही ज़रूरत है कि लोगों को अवेयर किया जा सके इनके बारे में। ये एक बुक है, इसका ये एक बुक दी गई है, इस रेफरेंस के लिए अगर आप चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।